हेलो टू एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिन में मेरी तबीयत, मतलब होते हैं ना पूजा करने के बाद मेरी तबीयत है, मेरी तबीयत क्यों खराब है, क्योंकि मेरा ना बहुत भाग दौड़ हो रहा है, तो मेरे को लू लग गया है। और इस बार ऐसा है, ये दूसरी या तीसरी बार मुझे लू लगा है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम मेरा लू लगा है, ये दूसरी या तीसरी बार है। तो ये देखो कहा दिल मेरा स्मैश हो गया है। अभी हम जस्ट फेस वॉश किए और हम बोले ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या किए, हम उठे, फेस वॉश किए और अपना गले का तो हम खोल दिए थे, कान का नहीं खोले हैं, रात में खोलेंगे। और आप अगर हम आपको पूरा डिटेल दिखाएं ना, घर बहुत मैसी है, बहुत मैसी है, मतलब आप समझ सकते हो। अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो सब कुछ मेरे घर में अस्त पस्त हो जाता है। तो हम सबसे पहले आम उबालने चढ़ाए हैं, क्योंकि इसका सोल्यूशन है, कल मॉर्निंग में मुझे फिर निकलना है, 7:30 मॉर्निंग में मुझे निकलना पड़ेगा। तो आप सोच रहे, मेरा इतना भाग दौड़ हो रहा है, मैं आने वाले टाइम में आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये क्या हो रहा है, इतना हम किस क्यों इतना हो रहा है मेरे साथ। तो अभी हम आम पकाने के डाल दिए और हम ठेकुआ बनाने वाले हैं, तो सोच रहे चलिए। और इससे भी इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ तो, मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट नहीं है, फैमिली मेम्बर आ रहे हैं, चाचा चाची आ रहे हैं, तो चाची आ रही है, दादी आ रही है। तो मेरे से साथ क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास स्टॉक में चीज़ें थी, तो हम अभिषेक को बोले अभी थोड़ा सा हमको उतार के दो, हम एटलीस्ट देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। वैसे वो परसों आने वाले हैं, हम आज सोचे थे कि आज हम रिलायंस जाएंगे, अपना घर की ग्रॉसरी का शॉपिंग करेंगे। तो ऐसा सच नहीं है, मुझे सिर्फ थोड़ा रिफाइंड वगैरह लेना है। तो अभी अभिषेक शिवानी बाहर निकले हैं, तो हम उनको रिफाइंड के लिए ज़रूर बोलेंगे। और यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज़ें हम निकाले हैं, पैक कर रहे हैं, आपको हम दिखाते, पैक नहीं कर रहे हैं, कंटेनर्स में हम डाल रहे हैं कि मेरे को ईजिली मिल जाए चीज़ें। और हम चाह रहे हैं ना कि लोगों के आने के पहले मेरा जो बहुत ज़्यादा जो भाग दौड़ है वो थोड़ा मेरा समेट आ जाए। और बिंदी हम ऐसे लगा दिए, हम ऐसे मन किया ऐसे लगाने का। तो चलिए फिर सबसे पहले सब चीज़ें करते हैं। इस डब्बे में अभी हम डाले हैं ये वाला मटर, तो ये हम लोग का फेवरेट है। हम सोयाबीन लेके आए थे तो चाची बनाएगी अच्छे से। और ये मेरे पास क्या है, कुछ तो है पैक्ड, अच्छा ग्राउंडनट है, चना है, कुछ है वो देखते हैं। फिर ये भी कुछ है, फिर ये भी कुछ है, और ये है बेसन, बेसन इतना ही है, सारा बेसन मेरा ख़त्म हो गया है। और दाल है इतना, दाल तो अभी हम देखते हैं, कल लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये दाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये दाल है। सो ये है काबली चना जो कि ख़राब हो चुका है, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम अभी ऐसे रख देते हैं। अब चाची आएंगी तो उन्हीं से पूछेंगे कि इसका क्या करना है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और आपको हम दिखाएं तो ये है भी काबली चना, ये भी पैक्ड था, ये अच्छा है तो इसको हम भर देंगे। और आपको हम दिखाएं तो ये है काला चना, तो सारा चना है। सो इसमें है बेसन, बेसन हमको पिसवाना है तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, तो कोई नहीं, ये चना भर गया है, काबली चना भर दिए, दाल भी लेना है और ये भर दिए, और ये काला चना, और ये है राजमा। तो ये सब चीज़ अब हम इस सबको बॉक्सेस को हम लगा देते हैं। सो यहाँ पे तो वो सारे बॉक्सेस रख दिए, अब 10 बजने जा रहा है, हम एक घंटा ना सिर्फ यही करेंगे क्योंकि आज मेरे को खाना नहीं बनाना। चीनी का एक पैकेट मिला है, तो चीनी का पैकेट अभी हम ठेकुआ बनाने जा रहे हैं, तो उसमें मेरा यूज होगा। यहाँ पे जो कुकर है, इस कुकर में हम आम बॉयल किए हैं, तो हम सोचे ना सबसे पहले आम बॉयल कर लेते हैं, अगर हम आम बॉयल नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, मेरी तबीयत नहीं ठीक होगी और कल फिर से मेरे को निकलना ही है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और इसमें अब एक काम और करते हैं, ये हो गया। हाँ, आम जो हम लेके आए थे ना, उस आम को हमको क्या करना है, इसको हम सोच रहे टोकरी में रख दें, टोकरी फ्रूट्स वाला, वो वाला फ्रूट्स समेट के रखेंगे। ये वाला जो फ्रूट्स है ना, बेडरूम में अभी भी रखा हुआ है, वो सो गया, सुबह उठाए थे उसको पूजा के पे जाने के लिए, तो हो गया था मेरे साथ। तो हम सोच रहे हैं सारा फ्रूट्स पहले यहाँ समेट के रख लेते हैं, फिर करते हैं सारा फ्रूट्स हम इस छोटे वाले टोकरी में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसको फ्रिज में हम रख देते हैं। ये वो आम है जो हम इस बोरे में लेके आए थे, तो हम सोच रहे हैं ना इस बोरे में अच्छे से रख करके और इसको हम ढक दें, तो यस इसमें
सो आम को मैंने बहुत अच्छे से ना इसको पकने के लिए ढक के अच्छे से रख दिया। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसे आम घर में पकाना। अभिषेक को बहुत ऐसा एक्सपीरियंस है, तो अभिषेक बोल रहा था तुम पैनिक मत हो, ये पक ही जाएगा। तो बस यही सारी चीज़ें हम पैक कर रहे थे, और मेरे को ऐसा था ना कि जितनी जल्दी से जल्दी हो मैं अपना काम सारा समेट लूँ, क्योंकि मुझे फिर ठेकुआ भी बनाना था। तो आम को मैंने ढक करके अच्छे से बेड के नीचे मैंने डाल दिया, और मैं दो चार दिन के लिए मैं भूल गई। अभिषेक बोला एकदम भूल ही जाना तुम इस आम को चार दिन के लिए। और फिर हम यहाँ पे तैयारी करने लगे ठेकुआ बनाने का। और आपको इसके पहले मैंने बोला था ना ऑयल वगैरह मैंने अभिषेक को बोला था लाने के लिए, तो अभिषेक लोग लेके आए थे, लेकिन उसका भी सिर्फ आप सुनिएगा अभी क्या हुआ, क्योंकि आप मेरे बॉटल में देखिए कितना थोड़ा सा ऑयल है। तो यहाँ पे हम मोइन दे रहे हैं, और हम बहुत ही इत्मीनान से ठेकुआ बनाते हैं, तो और ये दूध से हम गूंथते हैं। तो बोला इस बार वट सावित्री पे नहीं बन पाया, तो मैंने बोला नहीं शाम तक तो बनेगा ही बनेगा। और ये देखो जब मैंने पैकेट फाड़ा तो वो रिफाइंड ना निकल के मुझे मस्टर्ड मिला। रात के 10:30 बज चुके थे या 11 बज चुका था और मुझे मस्टर्ड मिला, तो आप सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा। फिर भी उस टाइम पे जाके हमने रिटर्न करके हुआ, और हम यहाँ पे ठेकुआ बनाने लगे। फिर शिवानी मेरे को बोली कि ऐसा करो तुम लाके हम यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे रखो, हम भी यहाँ पे तुम्हारा हेल्प कर देंगे। तो हम ले जा करके वहाँ पे रख दिए। और शिवानी बहुत मन से यहाँ पे बना रही है, टीवी भी देख रही है और बना भी रही है। मेरे को बहुत हेल्प हो गया, क्योंकि हम इधर से फिर फ्राई करने लगे फटाफट से, और उसको भी हमको जो हेल्प चाहिए था करने लगे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म किया, उसमें रिफाइंड ऑयल डाला, और मैंने ठेकुआ को धीरे धीरे आराम से इत्मीनान से मैंने पकाया, क्योंकि इसको इत्मीनान से पकाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऊपर पक जाता है ओवर और नीचे कच्चा रह जाता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ठेकुआ मतलब एकदम इवन होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कड़ा, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ना बहुत ज़्यादा गीला। तो इसका टेक्सचर मेन होता है कि उसको खाने में ना एकदम अच्छा होना चाहिए, ऐसा बिस्किट के जैसा लगना चाहिए। तो मेरा तो ऐसे ही बनता है, और आप देखो कढ़ाई में बिल्कुल भी ठेकुआ टूटा नहीं है, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि जब आप बना रहे हो तो इत्मीनान से बनाओ, टाइम लेके बनाओ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी बहुत अच्छा ठेकुआ बनाती थी, तो हम मम्मी से ही सीखे। और हम कोई भी रेसिपी बनाते तो हम यही सोचते हैं ना कि मेरी मम्मी कैसे बनाती थी, और मेरे को उससे ज़्यादा मुझे कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखो जब खूबसूरत ठेकुआ निकल के रेडी होने लगता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और अभिषेक यहाँ पर बैठ के कुछ काम कर रहा है, और फिर हम ले जा करके फिर कढ़ाई में डालेंगे, क्योंकि शिवानी मेरे को ये ठेकुआ का ना गोल गोल करके मेरे को दे रही है, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग हेल्प कर देते हैं ना, तो फटाफट सी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि अकेले आप करने बैठोगे तो सब चीज़ अकेले आप नहीं कर सकते हो। और ये जो कढ़ाई है आपको मैं बताती हूँ, ये बहुत साल मुझे लगता है 20-25 साल पुराना कप की कढ़ाई है, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी नई वाली कढ़ाई मैंने रख दिया। और ये थोड़ा चौड़ा सा है ना, तो इसमें बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ फ्राई हो जाता है। तो आजकल हम यही वाली कढ़ाई हम यूज़ कर रहे हैं, मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है आजकल ये कढ़ाई, और एक एक करके ठेकुआ और ढेर सारा एक साथ में फ्राई भी हो जा रहा है। सो हाफ मेरा बन गया है, हाफ बचा हुआ है, तो यहाँ पे ये बन रहा है। अब इसे फ्लेम तेज किया, फिर इसको स्लो कर देते हैं, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। इसको बनने में बहुत लगेगा तब भी, बनने में बहुत ज़्यादा लगता है तो 1 घंटे टाइम लगता है, हाफ एन आवर फ्राई करने में, 15 मिनट गूंथने में, और वगैरह उससे ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बनाना सोचना है कि बहुत बड़ा काम है, बनाने बैठे तो तुरंत बन जाता है। ऐसा क्या हो गया कि हम बना नहीं पाए, तबियत क्यों नहीं ऐसा हो गया। आम पकाती है अब, फटाक से आम पन्ना बनाएंगे। और यहाँ पे वो ठेकुआ फ्राई होने के बाद यहाँ पे हम आपको लोगों को दिखाया था कुकर में मैंने आम बॉयल किया था, तो यहाँ पे आम पन्ना बनाने लगे, और इसको बॉटल में मैंने भर के रख दिया, और अभी ग्लास में निकाला पीने के लिए, और उसको भर के फ्रीज में रख दिया कल मॉर्निंग के लिए। और ये जो कंटेनर है इसको ठेकुआ रखने के लिए, तो थोड़ा ठेकुआ ठंडा हो गया तो मैंने कंटेनर में बंद करके रखना प्रेफर किया। पूरा अच्छे तरह से यहाँ पे हम क्या दिख रहा है, मेरे पूरे कपड़े में हमने पूरा वो क्या बोलते हैं मैदा लगा चुके हैं, तो ब्लैक पे सबसे ज्यादा विजिबल होता है। तो अभी हम इसको सोच रहे इस कंटेनर में हम इसको पैक कर देते हैं। शिवानी
तो एक एक करके ये जो थोड़ा सा जो गर्म वाला पार्ट था उसको मैंने क्या किया, नीचे में थोड़ा ठंडा था तो मैंने पहले नीचे में रखा और उसके बाद से ऊपर, आप देखो मैं नीचे से निकाल रही हूँ क्योंकि नीचे जो गर्म होता है वो ऊपर रखना है, उसके बाद कंटेनर को मैंने खोल के एक दो घंटे छोड़ दिया, उसके बाद मैंने बॉक्स को पैक किया। आप गुनगुने में भी नहीं थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसके लिए अच्छे से इसको ना ठंडा होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए पहले मैं नीचे से और उसके बाद से थोड़ा ऊपर वाला गर्म था फिर मैंने डाला। तो एक हाथ से कैमरा यूज़ कर रहे थे और एक हाथ से इसको डाल रहे थे, तो एक देखो नीचे कुछ कुछ गिर भी गया है, कोई बात नहीं, जब आप कुछ काम करते हो तो गिरती है, गिरता पड़ता रहता है। मैं तो ऐसे परफेक्शनिस्ट, मैं खुद को नहीं मानती हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं हर बार कुछ ना कुछ सीखती हूँ, तो इस बार भी मैं कुछ सीखी। और मतलब ऐसा होता है ना, लर्निंग हर साल आपके अंदर कुछ ना कुछ होनी भी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं और बस और कुछ नहीं, इस बार का मेरा वट सावित्री ऐसे बीता और मैंने बाद में ठेकुआ बनाया। और आप देखो आगे अभिषेक रिफिल कर रहा है और हम लोग मॉर्निंग में कहीं निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।